आप अगर हंसना चाहते हो, खुल के हंसना चाहते हो, खुल के एकदम बिंदास होके मुस्कुराना चाहते हो, हंसना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आपको रोकती है। बात करते हैं पीले दांतों की। पीले दांत अक्सर इस चीज़ में बैरियर ज़रूर बनते हैं। क्या हुआ गाइस, अगर आपके पीले दांत हैं तो आप ना तो हंस पाएंगे ना मुस्कुरा पाएंगे। गाइस, हम सबकी ज़िंदगी में हमारी हंसी, हमारी मुस्कुराहट एक गॉड गिफ्ट के तौर पर सबको मिली होती है, लेकिन किसी कारणवश आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हो, आप खुल के हंस नहीं पाते हो, मुस्कुरा नहीं पाते। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ सीमा। आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लाई हूँ पीले दांतों को दूर करने के लिए घरेलू टिप्स के द्वारा। तो गाइस, बात करते हैं हम पीले दांतों को किस तरीके से वाइट कर। पहला टिप से है नींबू का रस। गाइस, अगर आपके कितने भी पुराने पीले दांत हैं तो उनको वाइट करने में नींबू का रस काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको क्या करना है, नींबू लेना है, उसे निचोड़ना है। नींबू के रस में थोड़ा सा प्योर सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक मिला के एक पेस्ट बना लेना है। उस पेस्ट से आपको दिन में दो बार ब्रश से पेस्ट करना है और फिर कुल्ला कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपके टीथ भी सफ़ेद होंगे और साथ ही कोई बैक्टीरिया, फंगल, कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके दांतों में होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और पीलापन भी धीरे धीरे गायब होने लगेगा। इन है सेब का सिरका। आपको क्या करना है, एक कप पानी में थोड़ा सा एक या डेढ़ चम्मच सिरका मिला लेना है और उसे कुल्ला कर लेना है। कुल्ला करना है एक बार दिन में, ज़्यादा नहीं करना है। इससे आपके दांतों का पीलापन जल्द ही ख़त्म होने लगेगा। थर्ड है गुनगुना पानी। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें, उससे आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन भी ख़त्म हो। रोज़ सुबह उठकर इस पानी से कुल्ला ज़रूर करें। वो है आपके स्ट्रॉबेरी को अपने दांतों पर छोटे छोटे टुकड़े ले लें और उसे अपने दांतों पर पूरा अंदर बाहर चारों तरफ से आप रगड़ें। इससे भी आपके दांतों का पीलापन दूर होगा। फिफ्थ है आंवला लें। आंवले को भी आप रोज पर डे एक दाना खाएं। इससे आपके दांतों में विटामिन सी तो मिलेगा ही, साथ में आपके दांत एक तो मजबूत होंगे, पीलापन भी दूर होगा। फाइनली लास्ट मैं आपको बताती हूँ संतरे का छिलका। आप चाहे तो सूखा या फिर कच्चा संतरे का जो छिलका होता है उसे भी अपने दांतों पर एक रगड़ रगड़ के पेस्ट बना लें। अगर कच्चा है तो उसका पेस्ट बना लें। उसे भी आप रोज़ डेली पर डे अपने दांतों पर ब्रश की तरह पेस्ट करें। इससे भी आपके दांतों का पीलापन दूर होगा। और साथ ही आपको क्या करना है, अगर उसका सूखा पाउडर बना लें, सूखे हुए जो छिलके होते हैं उसका पाउडर बना लें, उससे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। वो भी आपके पीलेपन को दूर करने में हेल्प करेगा। तो गाइस, ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, हेल्पफुल अगर आपको वीडियो लगा, तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। फ्री में होता है, कोई चार्ज नहीं देना होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर। गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, कोई भी घरेलू टिप्स होते हैं वो धीरे धीरे अपना काम शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है आपका दांतों का पीलापन जो है वो आपको जल्दी ही ख़त्म करना है, तो आप अपने डेंटिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं। वो जो भी आपको रेकमेंड करेंगे आप उनको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।